हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैटलैब के ऊपर काम करना सीखेंगे कि मैटलैब जो है वो कैसे काम करता है और कैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कैसे की जाती है मैटलैब के थ्रू, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनफिनिट सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दी मैटलैब। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि मैटलैब जो है वो है क्या है और कैसे काम करती है। मैटलैब को इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप मैटलैब को अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कुछ इस तरह की जो है वो विंडो ओपन नजर आएगी। ये जो है हमारे पास यहाँ पर कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है और मैंने कुछ लिखा भी है, तो इसको हम कहते हैं कमांड विंडो। अगर आप लैपटॉप या अपने पीसी में इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने प्ले मोबाइल के प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे ही काम करेगा। लेकिन इसके लिए आपके पास डाटा पैकेज जो है, यानी कि आपका इंटरनेट पैकेज जो है वो होना ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा मोबाइल के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो कमांड विंडो है। ये जो है वो करंट फोल्डर है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी हमें बता देगा कि ये फाइल्स जो हैं वो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी कमांड दें और उसको इस्तेमाल कर लें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि वहाँ पर सेव नहीं करना, तो यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास जो है वो सेविंग डायरेक्टरी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप अपने मुतलका फोल्डर के अंदर जो है इसको सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। और ये जो लास्ट वर्कप्लेस की विंडो नज़र आ रही है यहाँ पर जो है जितने भी हम यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो सारे के सारे इधर जो है वो सेव हो जाएंगे, और जब उनको हम कॉल करेंगे तो वही वैल्यू जो है हमें वापस दे देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं a की वैल्यू जो है वो 2 डिक्लेयर करवाता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा कि a की वैल्यू जो है वो 2 है, और यहाँ जो होगा वो उसको सेव भी कर देगा कि a की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2 है। अगर मैं b की वैल्यू जो है वो 8 डिक्लेयर करवाता हूँ तो ये उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा और इधर उसको सेव कर देगा कि ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू जो है वो 8 है। तो हम इसके ऊपर फिर डायरेक्ट जो है वो बेसिक ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, तो ये इसका आंसर दे देगा कि ये 10 इसका आंसर है। अगर हम इसको माइनस करना चाहें तो ए माइनस बी, इसको इंटर के साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो ए स्टेरिक बी, तो ये उसको मल्टीप्लाई भी करवा देगा। और अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि ए स्टेरिक बी, तो ये हम उसको डिवाइड करके बता देगा कि ये इसका आंसर है। और इसी तरीके से बाकी ऑपरेटर्स भी जो है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बी की वैल्यू जो थी हमारे पास वो 8 थी, तो हम बी को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 6 के साथ, तो हमें वो डायरेक्ट आंसर दे देगा 48। और अब ये जो इतना कुछ हमने सब लिखा हुआ है और इसको क्लियर करना चाहते हैं और सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसका जो हमारे पास तरीका होगा वो होगा क्लियर कंसोल की कमांड, जो कि CLC होती है। CLC का मतलब है क्लियर कंसोल। तो ये सब कुछ जो है वो खत्म कर देगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो वेरिएबल एज इट इज पड़े हुए हैं। आप इन वेरिएबल्स को भी अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका जो हमारे पास तरीका होगा वो होगा क्लियर ऑल। ये कमांड क्या करेगी कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स को जो है वो ख़त्म
खत्म कर देगी। अब हम इसको दोबारा फिर से जो है वो खत्म करते हैं, तो ये सीएलसी क्लियर ऑल, सीएलसी के साथ जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कंसोल, और हमारे पास जो कमांड विंडो है वो फिर से फर्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगी। अगर आप कमांड विंडो के अंदर काम नहीं करना चाहते तो यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट के थ्रू वही काम कर सकते हैं, इसको हम एडिटर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर जो है ये आपने देखा कि इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जैसे यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पर जो है वो उसका आंसर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसका आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसको रन नहीं करवाएंगे, यानी इस प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अगर इसके अंदर हमारे पास किसी लाइन के अंदर या किसी कोडिंग के अंदर कोई मिस्टेक भी होती है तो हम उसको क्लियर कर लेंगे, और क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एडिटर के ऊपर काम नहीं करेंगे, विंडो कमांड के अंदर ही जो है काम करेंगे, कमांड विंडो के अंदर। तो हम इसको फिर खत्म करना चाहते हैं, तो क्लियर ऑल, क्लियर कंसोल, सीएलसी, और वेरिएबल को खत्म करने के लिए क्लियर ऑल, तो यहाँ से जो है वो फिर खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास जो है वेरिएबल जो है वो दो है, बी इज इक्वल टू 3, और हम जो है वो सिर्फ ए की वैल्यू रखना चाहते हैं, बी की वैल्यू नहीं रखना चाहते, तो हम क्लियर करेंगे बी को, तो वो बी की वैल्यू को जो है वो खत्म कर देगा। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लियर बी लिखा तो उसने बी की वैल्यू को खत्म कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर बी पुट कर लिखूंगा तो कहेगा कि बी जो है वो अनडिफाइंड है वेरिएबल, क्योंकि हमने बी को खत्म कर दिया था, और अगर ए लिखूंगा तो वो ए की वैल्यू जो है वो हमें वापस दे देगा। तो आज के लिए जो है वो सिर्फ इतना ही काफी है, नेक्स्ट जो होगा वो इंशाल्लाह हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, और कुछ और टेक्निक्स जो है वो मैटलैब के अंदर देखेंगे वो कैसे मैथमेटिक्स के अंदर काम करती हैं, और हम कैसे मैटलैब के ऊपर काम करके जो है वो अपना टाइम बचा सकते हैं।